Assalamu alaikum viewers, hope all of you will be well. Our today's topic for the discussion is transitive verbs and intransitive verbs. As in previous lecture, all of you have studied about the kinds of verbs such as linking verbs, auxiliary verbs and so on. Today we will discuss in detail about transitive verbs and intransitive verbs. But before starting our lecture, I will like to discuss that in Sargodha board paper pattern, how can we gain the good marks or what sort of questions are expected from the verbs. तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब Sargodha University की बात की जाती है तो Sargodha University में transitive verbs, intransitive verbs पे अलग से question भी आ सकता है कि transitive verbs and intransitive verbs की definitions लिखें और साथ examples दें. In case अगर long question आता है तो verbs की transitive, intransitive verbs भी आएंगे और linking verbs और so on जितने भी किए हुए verbs के वो भी आपके आएंगे. तो इन ट्रांसिटिव वर्ब्स को सबसे पहले देखते हैं. द वर्ब्स रिक्वायर्स अ ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. ट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जिनको एक्सप्लेन करते हुए लिखते हुए जब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. मिसाल के तौर पे माय फादर टुक मी टू लाहौर, यहां पे वर्ड टुक लिखा हुआ है, ये आपका वर्ब है. फिर मजीद हम देखते हैं कि कौन सा वर्ब है, तो ट्रांसिटिव वर्ब है. अब ट्रांसिटिव वर्ब भी क्यों है, इंट्रांसिटिव क्यों नहीं हो सकता? इंट्रांसिटिव वर्ब जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. ट्रांसिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. शी वॉश्ड हर क्लॉथ्स, यहां पे वर्ड जो वॉश्ड है ये हमारे पास वर्ब है. तो कौन सा वर्ब है? ये ट्रांसिटिव वर्ब है. मैं रिपीट करता हूं, ट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने स्टेटमेंट में लिखते हुए. अब हम आ जाते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स पे. इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? It is a verb that can express a complete thought without necessarily exerting its action on an object. Means कि intransitive verbs वो verbs होते हैं जिसके thoughts हमारे पास complete होते हैं, meaning हमें मिल जाता है या sentence का structure ठीक होता है, हमें sentence के समझ आ जाती है, लेकिन उसमें object नहीं होता. मैं repeat करता हूँ कि intransitive verbs वो होते हैं जिसमें हमें object की जरूरत नहीं होती. For example, he played. सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, ही प्लेड, लेकिन हमें नहीं पता फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, कुछ भी हो सकते हैं. फिर हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, दे लॉफ्ट, वो हंसे, किस पे हंसे, क्यों हंसे, किस वजह से हंसे. तो ये कुछ एग्जांपल्स थी ट्रांसिटिव वर्ब्स की, इंट्रांसिटिव वर्ब्स की. जब हम Sargodha University के डिस्कस करते हैं तो उसमें ट्रांसिटिव वर्ब्स और इंट्रांसिटिव वर्ब्स को दोनों को गो थ्रू करने हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड होता है कि वर्ब में से कुछ ना कुछ आ जाते हैं लॉन्ग में ये शॉर्ट में. तो ट्रांसिटिव वर्ब्स के बारे में मैं दोबारा से दोहराता हूं कि जिसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है. ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट ऐसे ही है जैसे पूरा स्टेटमेंट अपने क्लॉज के साथ, मीनिंग के साथ कंप्लीट होता है, वेयर एज इंट्रांसिटिव वर्ब की हमें समझ आ जाती है, लेकिन हमें ग्रामेटिकल ठीक होता है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट आगे नहीं होता. ये इसमें बेसिकली डिफरेंस था. नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद वर्ब की काइंड देखेंगे. थैंक यू.